कुछ उसके पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं है, वो नहीं बता सकता कि आपका आप क्या बोल रहे हो कि ये लड़का है या लड़की है। इसी तरह यहाँ पर तीन तरीके के फ्लावर्स हैं, ठीक है, तीन क्लासेस हैं। यहाँ जो आयरिस टारगेट्स दिया है ना, ये तीन फ्लावर्स हैं। एक का नाम है सिटोसा, दूसरे का नाम है वर्सिकोलर, तीसरे का नाम है वर्जिनिका। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। तो तीन तरीके की क्लासेस हैं। एक फ्लावर वन है, उसका नाम है सिटोसा। फ्लावर टू है, उसका नाम है वर्सिकोलर। फ्लावर थ्री है, उसका नाम है वर्जिनिका। तो तीन क्लास का यहाँ पे डेटा दे रखा है, ठीक है। और कहाँ है मेरा मतलब, तो यहाँ हर एक के आगे ना देखो, ये जो तीन वैल्यूज दी है, इसका मतलब क्या है? जो पहला सैंपल है वो क्लास वन को बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह जब हम 51th सैंपल पे आएंगे, 51th सैंपल पे, तो यहाँ देखो, अब ये जो डेटा है वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? सेकेंड क्लास को। तो जैसे मैंने गर्ल और बॉय की बात करी, वहां दो क्लासेस हैं, ठीक है। और हमने पांच फीचर लिए, हाइट, वेट, लेंथ ऑफ द बियर्ड, लेंथ ऑफ योर हेयर्स, और क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड और मॉस्टिच, ये पांच फीचर लिए। इसी तरह यहाँ पे क्या है, चार फीचर्स हैं, पेटल लेंथ, पेटल विथ, सेपल लेंथ, सेपल विथ, ठीक है। तो किसी डेटा को जब हमें देखना है तो इस तरीके से देखते हैं। ये उसका फीचर मैट्रिक्स हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो देखो 4.6 इसकी पेटल लेंथ है, 3.4 उसकी पेटल विड्थ है, 1.4 इसकी सेपल लेंथ है, और 0.3 इसकी सेपल विड्थ है। ये हुआ आपका क्लास वन का डेटा। अगर आप 51th पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ और ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर मिलेगा कि यहाँ ये 7 है, 3.2 है, 4.7 है, 1.4 है, ये सेकेंड क्लास का है। तो इनकी वैल्यूज डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। अगर आप देखोगे तो ये 50 सैंपल जो शुरू के हैं वो कौन सी क्लास के हैं? क्लास वन डेटा के या फ्लावर वन डेटा के। लास्ट 50 जो हैं 101 से, अगर आप अपना अपना सिस्टम पे देखोगे, डालोगे लोड आयरिस डॉट डेटा सेट डॉट मेट, तो आप खुद अपने पे देख सकते हैं कि कैसे हैं ये और क्या इनमें डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यूज हैं एज कम्पेयर टू द अदर टू, दे आर डिफरेंट, ठीक है। क्या चीज समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? एम आई क्लियर? यस मैम। तो लेट्स से हम फिगर प्लॉट करके देखते हैं, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, आइरिस, आइरिस इनपुट्स, ठीक है। तो डेटा हमारा कौन सा है? हॉरिजॉन्टली दिया है ना, तो हम चाहते हैं हम पहला फीचर प्लॉट करके देखें। व्हाट डू वी वांट? फर्स्ट रो, ठीक है, ऑल कॉलम्स। अगर हमने इसको देखा प्लॉट, दूसरा इन कंपैरिजन टू आयरिस टैब इनपुट्स, सेकेंड फीचर कॉमा ऑल कॉलम्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। Can you all see the figure here? Figure दिख रहा है? No ma'am. नहीं दिख रहा है। ठीक है, अपने पे प्लॉट करके देखो क्या दिख रहा है। नहीं
मैम जिगजैग टाइप की लाइंस बनी हुई हैं दो सेपरेटली। दो सेपरेट दिख रहे हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है? आपके कुछ डिफरेंट सेट ऑफ दो फीचर्स हमने प्लॉट किए हैं यहाँ पर। बेसिकली फर्स्ट फीचर को प्लॉट किया है, सेकंड फीचर को प्लॉट किया है। तो ये अगर फर्स्ट फीचर देखोगे आप, तो उसकी कोई एक रेंज है पर्टिकुलर, कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 3 से अराउंड 5.5 तक, ये फर्स्ट फीचर की रेंज आ रही है। उसी तरह सेकेंड की कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है? 5 से 7.5 तक। अब इसका कोई स्कैटर प्लॉट करके दिखाओ मुझे। Can anyone plot the scatter plot? Scatter plot करना आता है? बताओ भाई, scatter plot आता है? मेरा फुल स्क्रीन मोड में खुल। हाँ भाई प्रखर, सर कर रहे हो क्या? यस मैम, आपके साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, कर बताओ, स्कैटर प्लॉट करके दिखाओ कैसे होगा। यार हम कमांड डाल रहे हैं प्लॉट वाला। मैम दो क्लस्टरिंग फॉर्म हो रही है। दिखाओ किसका, शेयर करो अपना स्क्रीन, शेयर करो। अब एक काम करो, थर्ड और फोर्थ को प्लॉट करो, थर्ड फीचर और फोर्थ फीचर। अभी हमने फर्स्ट टू फीचर प्लॉट किए, अब इसी तरह एक और फिगर बनाओ। फिगर लिखो दोबारा, फिगर एंटर। अब इसमें प्लॉट करो क्या, थर्ड और फोर्थ फीचर स्कैटर में मैम। हाँ स्कैटर करो। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस और ज्यादा बड़ी हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू फीचर्स, है ना? अगर आप देखें तो ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं आपके, वो कौन सा है? अब वो कैसे पता लगा, जैसे अब हम कोरिलेशन निकालते हैं। yes, ma'am. अब इन फीचर्स के बीच में कोरिलेशन निकाल के दिखाओ सबके बीच में। चार फीचर्स। हाँ, इस मैट्रिक्स की कोरिलेशन निकालो। कोरिलेशन इनपुट आयरिस इनपुट्स। अब ये क्या हुआ, आपने सैंपल क्रॉस सैंपल किया है, फीचर क्रॉस फीचर करो, उसमें ट्रांसफॉर्म करो, उसको वापस करो। नहीं नहीं ऐसे ट्रांसफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, वही लिखो कोरिलेशन, कोर अप एरो कर दो, वापस आ जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर आओ, डैश सिंगल कोट डाल दो, सिंगल कोट एक ही। हाँ अपोस्ट्रोफी, बस एंटर करो। ओके मैम, यस। ठीक है, इसे प्लॉट करो मैट्रिक्स को। तो मैम इसको स्टोर करना होगा ना, या फिर डायरेक्ट प्लॉट के अंदर फिर डाल देते हैं? हाँ ये कुछ
इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। और भूलो मत, ये जो जो हमने फॉर लूप वगैरह पढ़े हैं इम्पोर्टेंट है। देखो कौन से उसमें आया है, सेकंड में। अच्छा ये ऐसा नहीं करो, अब इसको करो, वापस आओ, इसको क्लोज कर दो, प्लॉट मत करो उसको। इसमें लिखे इमेज है सी, अच्छा जैसे हम बोलते हैं ना, आप टैब प्रेस किया करो, उससे क्या था अपने आप वो आता है। ओके मैम, है ना। हाँ देखो क्या है, और लिखो, अब एक और डालो, अभी डायरेक्टली नहीं आ रहा तो और डालो टैब। आ रहा है कोई इमेज एससी करके, आईएमजी करो, ये आ गया। हाँ ठीक है, अब इसके अंदर डालो, यही कॉपी कर लो ऊपर से। देखो क्या आया है फिगर में, कोई फिगर आया है, ठीक है। इसमें ना ऊपर एनोटेट वाला भी दिख रहा है, जो लास्ट एरो के बाद एक वो है ना, उस पे हावर करो, एरो बनाए ऊपर में टूल में। हाँ इसके बाद वाला क्या है उस पे देखो, क्लिक करो ओपन प्रॉपर्टीज। नहीं 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 वो मत करो बच्चे, उससे पहले वाला देखो एनोटेट आ रहा होगा, क्लोज कर दो उसको, इसको क्लिक करो, ये बार दिखाएगा। आया इससे कुछ? नो मैम। उसके बगल वाला क्लिक करो, कलर बार है। चलो ठीक है, उसको पूरा ओपन करो, पूरी विंडो ओपन करो, फुल साइज करो, ठीक है। इसमें आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ देखो आपको वैल्यूज थोड़े से दिखेंगे, है ना। ये डार्कर है, इस पे एनोटेट होने पे ना, हावर करने पे वैल्यूज दिखनी चाहिए कि कितनी है। अपने मैटलैब पे जाओ, यहाँ देखो हाईली कोरिलेटेड, ये कोरिलेशन में आपका खुद से करेंगे तो हाईली कोरिलेटेड रहेगा तो वन आएगी वैल्यू। अदर वैल्यूज को अगर देखो आप, यहाँ पर ये जो है आपका किसके बीच में, फोर और थ्री के बीच में कोरिलेशन देखो, ठीक है, फोर और वन के बीच में देखो कोरिलेशन, हाईली कोरिलेटेड है, यस मैम, ठीक है। नेगेटिवली कोरिलेटेड भी है इसमें, कौन सा फीचर नेगेटिवली कोरिलेटेड है ज्यादातर, सेकंड फीचर, सेकंड फीचर है ना, का मतलब वो इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम, यस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यस मैम, आ रहा है ना? यस मैम, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई आपकी, हम कैसे देख सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, डेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें क्या है। आप लोग खुद से इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर शो किया कि ये बेसिक चीज है कि हम कैसे डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरी स्क्रीन वापस दिख रही है, इज माई स्क्रीन विजिबल अगेन? यस मैम, यस मैम। अब कुछ और छोटे छोटे से फंक्शन हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। अब लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स बनाई, ए इज इक्वल टू ठीक है, तो ए जो एक मैट्रिक्स बनी है इसका क्या साइज है? टू रूट थ्री कॉलम्स, टू क्रॉस थ्री। मुझे तो थ्री डायमेंशनल दिख रही है ये। कितने लोगों को टू डायमेंशनल दिख रही है मैट्रिक्स? मैम थ्री डायमेंशनल।
अब जैसे थ्री डायमेंशन है या लेट्स से फोर डायमेंशन मैट्रिक्स है, तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो है मैट्रिक्स हमारा, हम उसका जैसे यहाँ पे है ऑल कॉलम्स ऑल रोज वन, इस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो? कैसे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे? सो देयर इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन कॉल्ड स्क्वीज, ठीक है? तो लेट्स से हमने रूल लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल्स टू वन कोलन लेंथ लेंथ ऑफ ए, ठीक है? अब लेंथ ऑफ ए देखेंगे तो क्या आता है, अभी थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स है, ये कोई वेक्टर तो है नहीं, तो पहले हमने चेक किया कि भाई क्या है लेंथ फोर, मतलब जो लास्ट डायमेंशन है उसकी लेंथ ही दे रहा है, बट वी डोंट वॉन्ट इट, हम चाहते हैं कि हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, हमें जो वन और टू है, जो ये टू ये हमारा कैसे कंसिडर होना चाहिए, ये थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है और टू है, तो हम इसको कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे उसको, उस डायमेंशन को, जल्दी बताओ, साइज ए कॉमा क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट अगर डायमेंशन चाहिए हमें, ये टू चाहिए, तो उसके लिए कौन सा वैल्यू आएगा यहाँ पे बताओ भाई, एम आई ऑडिबल? नहीं बताते हो तो करके देख के बता दिया करो भाई, ट्राई तो करो पहले, आ रहा है ना, ये फर्स्ट डायमेंशन लिया, ये सेकेंड हमें चाहिए, बीच वाला डायमेंशन चाहिए, तो ये टू रखा, ठीक है? और आपको नहीं पता है भाई कि क्या है आपका साइज क्या है, तो हम कैसे निकालते हैं साइज ऑफ ए, साइज ऑफ ए निकालोगे तो टू थ्री फोर आपके पास आ जाएगा कि डायमेंशन कितने हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आप निकाल सकते हो, तो अगेन लेट्स से आपको सेकेंड वाला चाहिए, बीच वाला चाहिए, और हम चाहते हैं टू क्रॉस फोर की मैट्रिक्स हम एक्सेस कर पाए फॉर एवरी थ्री जो कॉलम्स है ना, ये हमारा वन टू थ्री फोर, तो ये थ्री वाला जो है ना, इसे हम चाहते हैं कि ये टू क्रॉस फोर की मैट्रिक्स हमें बार बार मिल जाए थ्री टाइम्स, तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे, ये तो आपका फॉर लूप एंड किया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, x is equal to squeeze is a good function squeeze की फन वैल्यू, हाँ squeeze a ऑल रोज, मतलब हमें ये फर्स्ट वाला डायमेंशन चाहिए, आयत कॉमा क्योंकि हमने इसमें सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, चलो ट्राई करो क्या आ रहा है और ये क्यों कैसे आ रहा है, यहाँ देखो आप कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, ये पूरी वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ये पूरी वैल्यू आ रही है और ये पूरी वैल्यू आ रही है, वन बाय वन 0 8 1 4 7 90 58 0 2 7 8 5 54 6 9 9 5 4 8 this and this. So ये जो squeeze function है ये क्या करता है, जो भी आपका single value है ना, जो भी single value हम pass कर रहे हैं उसको उसको हटा के जो भी बच रहा है वो सारा वो रिवर्ट करता है फॉर दैट वैल्यू, करके देखो, जैसे कि अब मैं चाहती हूं कि मैं थर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग मांगू सब चीज,
what I need to do here? I have to place I at the end. Now it will show things like this. अब क्या आ रहा है हमारा 2x3 की मैट्रिक्स आ रही है 2x3 की आ रही है 4 वैल्यूज वन टू थ्री फोर जैसे कि हमारा ए है वैसे ही दे रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ए 2x3 की बट अब मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट डायमेंशन के अकॉर्डिंग हो मेरा मतलब मेरे पास किस तरह की मैट्रिक्स आनी चाहिए दो मैट्रिक्स आनी चाहिए 3x4 की I थ्री बाय फोर की मैट्रिक्स आ रही है कैन यू ऑल सी इट वुड यू लाइक टू ट्राई इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जब हम बहुत सारे हाई डायमेंशन में वर्क करते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जैसे कि मान लो कि हमने अभी तो ये Am I audible to you all? Yes, ma'am. Let's say मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है ठीक है अब ए का साइज क्या हो गया कितने डायमेंशन है 4 डायमेंशन है ना तो अब हमें देखना है कि इसके अंदर क्या है तो अब हम क्या करेंगे अगर मैं पहला डायमेंशन लेती भी हूँ ठीक है तो अब मैं चाहती हूँ कि क्या किया जाए भाई 4 डायमेंशन है पहले तो साइज देखेंगे हम जब हमें इंटरनल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे बहुत हाई डायमेंशन डेटा है तो अब हम क्या चाहते हैं ये 2, 3, 4 वाला जो डेटा है वो एक्सेस कर पाए या 3, 4, 5 का डेटा है वो एक्सेस कर पाए या हम 2, 4, 5 वाला डेटा एक्सेस कर पाए 3 वाला नहीं चाहिए मतलब हर डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा निकालना चाहते हैं तो उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे विद दिस स्क्वीज फंक्शन ओनली तो नाउ अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू जैसे मैंने पहला लिखा तो मैं पहले डायमेंशन के अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ सो नाउ व्हाट विल हैपन लेट्स सी कितना आया है 5 वैल्यूज आ गए 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बार आ गई और ये इतना क्यों आया है क्या अभी हमने सही प्रिंट कराया है 5 1 आई ऑल रोज कॉलम ऑल का है ठीक है अब यहाँ जो दिया उसने क्या किया 3, 4, 5 की मैट्रिक्स दी तो 3 times 4x5 मैट्रिक्स को प्रिंट किया है ठीक है तो 3 times 4x5 मैट्रिक्स जो है 5 times 3x4 मैट्रिक्स को उसने प्रिंट किया अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ बट हम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो अब हम क्या करना है लेट्स से मान लो कि हम चाह रहे हैं कि सेकेंड डायमेंशन एलिमिनेट हो क्या सेकेंड डायमेंशन हमने जैसे ही एलिमिनेट किया तो अब क्या दिख रहा है हमें 2x4 की मल्टीपल मैट्रिसेस दिख रही हैं 5 टाइम ये हम कहाँ यूज करते हैं जब हमारा बहुत हाई डायमेंशनल डेटा हो बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिसेस हो और उनको हमें हैंडल करना है उन्हें मल्टीप्लीकेशन करना है या कुछ भी करना है तो हम कैसे चेक करेंगे कि क्या डायमेंशन है और उनको एक्सेसिबल कैसे बताएं या हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज निकालनी है या हमें प्लॉट करना है कि भाई इंटरनली आपका डेटा दिख कैसा रहा है कहाँ पे ज्यादा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है कौन सा ऐसा इंटरनल डेटा है जो स्पार्स है वो सब कैसे प्लॉट करेंगे सो फॉर दिस वी यूज दिस स्क्वीज फंक्शन इफ एल्स सबको याद है भाई कैसे करते हैं सौरभ तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है केपी मिल गया मतलब यस मैम ठीक है और क्या क्या बेसिक हमने कवर किया था लास्ट टाइम बहुत सारे करे थे
एनीवेज डेटा इंपोर्ट करना आप लोगों को आता है, सेव करना आता है. सेव करने के लिए क्या करते हैं? बताओ, व्हाट डू वी डू? हाउ डू वी सॉर्ट नंबर्स? सॉर्ट करने के लिए क्या वो है फंक्शन? बताओ भाई कहाँ हैं आप लोग? हम SORT सॉर्ट फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं. बताओ तरुण, क्या लिखना पड़ेगा अगर मुझे बी को सॉर्ट करना है? अभी बी जो है वो जिस तरीके से आया है अनसॉर्टेड वे में, सो व्हाट डू आई नीड टू डू टू सॉर्ट बी? व्हाट शुड आई राइट हियर? केपी? यस मैम. बताओ. क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल है, सॉर्ट बी. अब देखो डायरेक्ट आप बी लिख सकते हो तो अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में होगा. अदरवाइज व्हाट डू यू नीड टू राइट हियर? सिंगल कोट्स में अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपको DESC लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो जो अब हमारा बी दिख रहा है वो किस ऑर्डर में आ रहा है? कौन सा ऑर्डर में आ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है. और अगर आपको सॉर्ट असेंडिंग में ही करना है तो सिंपल हम बी ही लिखते हैं. अभी क्या हो रहा है? ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है. तो अभी सॉर्ट फंक्शन कहाँ यूज होता है? तो जैसे मैंने आयरिस डेटा में बताया कि कुछ फीचर्स जो हैं, इन चारों फीचर्स में से दो या तीन फीचर्स हैं वही इम्पोर्टेंट है. तो आप उन्हें कैसे सिलेक्ट करेंगे? अभी हमने कुछ कोरिलेशन की वैल्यू निकाली थी, तो कोरिलेशन के बेसिस पर जो वैल्यूज हैं उनके बेसिस पर हाईली, जिनके बीच में हाई कोरिलेशन है वो किस ऑर्डर में आने चाहिए? जो हाई. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सॉर्ट करेंगे और टॉप थ्री या टॉप टू लेंगे तो आपके जो रिलेवेंट फीचर्स हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं. और अब ऐसा क्यों करना चाहिए? इन्हें सॉर्टिंग करके क्या फायदा है? एलिमिनेट करके क्या फायदा है? डायमेंशनैलिटी. ठीक है, जितने ज्यादा डायमेंशन होंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका फंक्शन बनेगा, राइट? ये जो मैंने आपको बताया कि ये 4x150 है, तो ये अभी तो इसमें सिर्फ 4 फीचर्स हैं. कुछ डेटा सेट्स ऐसे होते हैं जैसे वो 4 कैसे हो सकते हैं, वो 50 फीचर्स हो सकते हैं, उसमें 60 फीचर्स हो सकते हैं. जैसे पेशेंट्स के डेटा रहते हैं उसमें एन नंबर ऑफ फीचर्स हो सकते हैं. क्या सारे फीचर्स इम्पॉर्टेंट है? नहीं है ना. तो कोई तो तरीका होना चाहिए कि हम उन फीचर्स को एलिमिनेट कर पाए. एक फीचर एलिमिनेट करने का तरीका है ये आपका कोरिलेशन मेजर. दूसरा है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. इसी तरह मल्टीपल फीचर सिलेक्शन टेक्निक होती है जिनसे हम फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं. और सॉर्टिंग के बेसिस पर, मतलब हमने जैसे ही फाइंड आउट कर ली कि रैंक क्या है, उसे सॉर्ट कर लिया, उसके बेसिस पर रैंक निकाल ली, तो हम क्या करते हैं? फीचर्स को एलिमिनेट करके प्रोसेसिंग पावर जो है कंप्यूटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. एम आई क्लियर? यस मैम. इम्पोर्टेंट है ये, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप जो भी सिस्टम्स हैं उनमें जितनी कम कंप्यूटेशन करनी पड़े और हाई, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके, है ना. जैसे हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हम क्या चाहते हैं उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो पाए,
तो अगर आपका डायमेंशन बहुत ज्यादा होगा तो मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगेगा ना, कंप्यूटेशन में टाइम लगेगा, तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोग्राम की एल्गोरिथम की जितनी कम हो उतना ज्यादा आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एम आई करेक्ट कि नहीं भाई, गलत सलत बता रही हूँ मैम? बताओ भी, हाँ बोलो ना बोलो। Am I audible? Yes, ma'am. तो भाई गलत बता रही हूँ क्या? नहीं ma'am. सही बता रही हूँ मैं? Yes, ma'am. आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन या नहीं दिखाई दे रही? ma'am दिख रही है, दिख रही है, विजिबल है। तो ये कुछ कमांड्स थे आपके, और क्या है कमांड्स? सॉरी बाकी तो मैंने खैर आपको सबको कराए हैं। हाँ भाई, तो चलो एक हाथ टेस्ट और लिया जाए। मनमोहन? यस मैम। चलो एक स्विच लूप लगा के दिखाओ, फॉर लूप के अंदर एक स्विच लगाओ। वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। कहाँ है दिखाओ मुझे करके। क्वेश्चंस में लगा हुआ है अभी तो। मुझे तो दिखाओ कि तुमने किया क्वेश्चंस। लगा हुआ है का मतलब क्या? हम इसमें लगाया हुआ है ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन में। स्विच लूप के अंदर स्विच लगाया? नहीं, उसमें केस बना रखे हैं स्विच के। तो लगाओ स्विच के अंदर लूप लगाओ। अच्छा ऐसा करो, स्विच के अंदर व्हाइल लूप। सही लिखा है क्या? देखो मुझे तो गड़बड़ लग रहा है अभी। Thank you.
सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, मैं सेव करूं। अब ऐसा क्यों हो रहा है बताओ भाई? हम ये ऐप प्रिंट एफ प्रिंट हो रहा है। इनफिनाइट लूप डाल दिया ना तुमने? यस मैम। उसको बंद करो भाई, कैसे करोगे बंद? कंट्रोल सी हो रहा है। क्विट डीबगिंग, तो तुम्हारा डीबग हो रहा है कोड। एक एक्स्ट्रा एंड होगा। क्यों नहीं चला स्विच बताओ? केपी, केपी बताएगा ये स्विच क्यों नहीं चल रहा है। बताओ केपी। मैम क्लियर नहीं पता मैम। ये जो सिलेक्ट वेरिएबल आपने यूज किया है इसको डिफाइन नहीं किया। आपने शुरू में पढ़ लिया तो अब नहीं पढ़ोगे उसको, रिवाइज करते रहो। यही वाला तो बेसिक है, यही सारी चीजें आएंगी तभी तो कोडिंग कर पाओगे। बेसिक आएगा तभी आप हाई लेवल पे कर पाओगे, है ना? और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है, समझ में आ रहा है? नो वन, तो वी शैल स्टॉप हियर। ठीक है जी, कहाँ तक पहुंचा है आपके न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में, कहाँ तक हो गया? बताओ भाई, am I audible? मैं उसमें तो चल ही रहा है, मतलब 20-21 lectures। अरे lecture number नहीं पूछ रही हूँ मैं, क्या topic चल रहा है? हाँ, किसी को नहीं पता? मैम given method से matrix को transpose करना है trigonal form में, ये सर ने आज पढ़ाया। अच्छा, और graph theory में क्या चल रहा है? ग्राफ थ्योरी में फंडामेंटल कटिंग कट सेट, फंडामेंटल कट सेट। अच्छा, ग्राफ कट मेथड ना? यस। और तीसरा क्या है, टीओसी, उसमें क्या चल रहा है? वंदना, टीओसी में क्या चल रहा है भाई बताओ, कोई नहीं पता है? क्लास चल रही है ना? यस सर।
तो क्या चल रहा है अब? लास्ट टाइम मेरे मुझे बताया था तुमने, अभी क्या चल रहा है?